नमस्कार, आप देख रहे हैं kknlive.com। मैं हूं कौशलेंद्र झा और कहानी के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनकही कहानी। कहानी की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से करते हैं। दरअसल 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था और इसी के साथ भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। ठीक उसी रोज देश ने अपना पहला राष्ट्रपति घोषित किया और वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रखर बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक सफर स्वदेशी आंदोलन के साथ ही शुरू हो गया था। गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने विदेशी कपड़ा पहनना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। दरअसल वह चंपारण आंदोलन का दौर था। गांधी जी की पहचान चंपारण के भितियारवा से निकलकर देश और दुनिया में अपनी धमक दिखाने लगी थी। उन्हीं दिनों राजेंद्र प्रसाद अपनी कुशल प्रबंधन की वजह से गांधी जी के करीब आते जा रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर गांधी जी का प्रभाव गहरा असर देखा जा रहा था। इसी प्रभाव की वजह से उन्होंने अपने पुराने और रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग कर दिया और एक नई ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। कालांतर में राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ता चला गया। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। इस बीच 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और राजेंद्र बाबू की भूमिका बड़ी होने लगी। आजाद भारत को अपना संविधान चाहिए था। इसके लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ और वह उस दौर के तमाम बड़े नेताओं ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया। संविधान सभा में 300 से अधिक लोग काम करते थे और इसकी भी कई कमेटियां थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। सवाल उठता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही संविधान सभा का अध्यक्ष क्यों चुना गया। कहानी लंबी है, पर इसको समझने के लिए एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। छपरा के जिला स्कूल से राजेंद्र प्रसाद ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। कॉपी जांच कर रहे कांग्रेस टीचर ने जब राजेंद्र प्रसाद की कॉपी देखी तो वह चकरा गया। उसने नंबर देने की जगह पर लिख दिया था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाले से बेहतर है। कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। इसी विलक्षण प्रतिभा की वजह से राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। लोगों के विश्वास पर वे बिल्कुल खड़ा उतरे और भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ संविधान उन्हीं के नेतृत्व में तैयार किया। दरअसल भारत के संविधान का असली शिल्पकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उन्होंने ही दुनिया के विकसित देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। उनके परिजनों को आज इस बात का मलाल है कि आज की पीढ़ी राजेंद्र बाबू के इस महान कार्य को भुला चुका है। संविधान के निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका को गौण कर देने से उनके परिजन बहुत आहत हैं। इतना ही नहीं बल्कि राजेंद्र बाबू के सम्मान में भारत में किसी भी प्रकार का कोई दिवस का नहीं होना चुभने लगा। भारत में वोट बैंक की राजनीति इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। बेशक यह एक दुखद पहलू है और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि राजेंद्र बाबू सिर्फ हमारे लिए एक धरोहर नहीं बल्कि प्रेरणा के स्रोत भी थे। कहते हैं कि उनकी विनम्रता, शालीनता और बड़प्पन के तमाम खिस्से मशहूर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी बिल्कुल ही नहीं बनती थी। मतभेद के कई खिस्से उन दिनों मशहूर हुए थे। बावजूद इसके एक बार नेहरू जी के विदेश से लौटने पर उनको रिसीव करने के लिए राजेंद्र बाबू प्रोटोकॉल को तोड़कर स्वयं एयरपोर्ट पहुंच गए। यह किस्सा भी उन दिनों काफी मशहूर हुआ था। एक दिलचस्प कहानी और है। आजाद भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति रहते हुए एक बार इंग्लैंड की महारानी को भारत आना था। राष्ट्रपति भवन में तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच वार्ता चल रही थी। तय हुआ कि राष्ट्रपति होने के नाते प्रोटोकॉल के तहत राजेंद्र बाबू
महारानी के स्वागत में आगे बढ़ेंगे और उनसे हाथ मिलाएंगे। राजेंद्र बाबू किसी विदेशी महिला से हाथ मिलाने को कतई तैयार नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि हाथ जोड़कर अभिवादन कर लिया जाए, पर सवाल प्रोटोकॉल का था और बात राजेंद्र बाबू की पत्नी तक पहुंच गई। बाद में पत्नी के समझाने पर राजेंद्र बाबू महारानी से हाथ मिलाने को तैयार हो गए थे। अब आप यह भी जान लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद की पत्नी इलाहाबाद से थी। वहीं की रहने वाली महादेवी वर्मा से उनकी गहरी मित्रता भी थी। एक बार महादेवी वर्मा उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंच गई। जाते समय राजेंद्र प्रसाद की पत्नी ने महादेवी वर्मा से सूप लाने का फरमाइश कर दिया। उनका कहना था कि यहां यानी राष्ट्रपति भवन में सूप नहीं रहने से अनाज फटकने में काफी कठिनाई होती है। महादेवी वर्मा ने अगली बार साथ में सूप लेकर आई थी। कहते हैं जब राजेंद्र बाबू का कार्यकाल खत्म हो गया और वे राष्ट्रपति भवन से जाने लगे तो उनकी पत्नी वह सूप भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर राजेंद्र प्रसाद ने सूप ले जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह भारत के राष्ट्रपति को उपहार मिला है, लिहाजा यह सरकारी संपत्ति हो गया। राष्ट्रपति रहते हुए राजेंद्र बाबू को जो भी वस्तु उपहार में मिला था उस सभी वस्तुओं को उन्होंने सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया और उस सारी चीजों को राष्ट्रपति भवन में ही छोड़ दिया। आप सोचिए, वह भी एक दौर था और आज भी एक दौर है। सार्वजनिक जीवन का परित्याग करने के बाद राजेंद्र बाबू चाहते तो दिल्ली के सरकारी घर में रह सकते थे, पर वह दिल्ली छोड़कर पटना चले आए। उनका पैतृक घर खपरैल का था, बरसात में पानी भी टपकता था। कहते हैं कि 10 साल तक भारत का राष्ट्रपति रहने के बाद भी राजेंद्र प्रसाद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने खपरैल घर की मरम्मती करवा सके। आपको याद ही होगा जब वर्ष 1962 में उनको भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजेंद्र बाबू के पूर्वज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमोढ़ा के रहने वाले थे। वह कायस्त समाज से ताल्लुक रखते थे। बाद में उनके कुछ वंशज बलिया में जाकर बस गए और कुछ लोग बिहार के सारण जिला के जीरादेई में जाकर बस गए। जीरादेई में बसने वालों में ही राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज का परिवार भी शामिल था। राजेंद्र बाबू के दादा हथुआ राज में दीवान के पद पर कार्यरत हुआ करते थे। जीरादेई में ही 3 दिसंबर 1984 को राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। यह वो समय था जब गांव के सभी लोगों में भाईचारा हुआ करता था। धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था। राजेंद्र बाबू के कई मित्र मुसलमान थे। लोग साथ मिलकर होली खेलते थे और मुहर्रम का तजिया भी साझा होता था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी और छोटे होने के कारण राजेंद्र बाबू का बचपन बहुत ही प्यार और दुलार में बीता था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव जीरादेई में हुई थी। उस समय के रिवाज के मुताबिक शिक्षा का आरंभ फारसी भाषा की पढ़ाई से होता था, लिहाजा राजेंद्र प्रसाद और उनके एक चचेरे भाई को पढ़ाने के लिए एक मौलवी उनके घर पर ही आते थे। मात्र 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजबंसी देवी से हो गया था। विवाह के संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मशहूर है। दरअसल राजेंद्र प्रसाद का विवाह 12 साल की उम्र में हो गया था। रिवाज के मुताबिक उनकी बारात बैलगाड़ी से गई थी। राजेंद्र बाबू के बारात को वधु पक्ष यानी राजवंशी देवी के घर तक पहुंचने में 2 दिन लग गए थे। दूल्हा बने राजेंद्र प्रसाद पालकी में थक चुके थे। लंबी यात्रा के थकान के बीच पालकी जब वधु के घर पहुंची तो राजेंद्र बाबू गहरी नींद में सो रहे थे। कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से उनको नींद से जगाया गया और तब जाकर विवाह की रस्म संपन्न हो सका था। यह उस दौर की बात है। विवाह के बाद भी उनकी पढ़ाई जारी रही। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। उन्हें 30 रुपए महीने की छात्रवृत्ति भी उन दिनों मिली थी। वर्ष 1902 में उन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और वर्ष 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री हासिल की। राजेंद्र प्रसाद गोल्ड मेडलिस्ट थे। पढ़ाई जारी रहा और कानून में
डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म उस कालखंड में हुआ जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से अपना पांव पसार चुका था। लोगों के खान पान और कपड़े पहनने से लेकर लगभग हर क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत की छाप महसूस की जा रही थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद पर इसका कोई असर नहीं था। वे अपनी परंपरा के अनुसार हमेशा धोती कुर्ता और सिर पर टोपी पहनते थे। राजनीति से संन्यास लेने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने अपना जीवन पटना के निकट एक आश्रम में बिताया। यहीं रहते हुए 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया, पर उनकी प्रेरणादायी कहानी आज भी हमारे बीच है और युगों युगों तक हम सभी को प्रेरणा देती रहेगी।